वेलकम बैक इन सीसीएल। तो आज किस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 12th मैथ का चैप्टर सेकंड, जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 एक्सरसाइज कवर करने से पहले बात करते हैं उसके इंट्रो की, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की जो इस एक्सरसाइज में यूज की गई है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। इसी तरह टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, कोसेकेंट इनवर्स एक्स प्लस सेकेंट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। तो ये फर्स्ट थ्री आइडेंटिटीज लगभग सिमिलर है। उसके बाद फोर्थ आइडेंटिटी टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। फिफ्थ आइडेंटिटी टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई, तो ये इक्वल हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई के। सिक्स्थ और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी टू टेंजेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा इक्वल टेंजेंट इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर, या फिर कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, या फिर साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिमेनिंग आइडेंटिटीज की। तो सेवंथ है वन माइनस कोस थीटा, तो ये इक्वल हो जाएगा टू साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू। वन प्लस कोस थीटा इक्वल हो जाएगा टू कोस स्क्वेयर थीटा बाय टू। एंड साइन थीटा जिसको हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाय टू कोस थीटा बाय टू। तो जो ये थ्री आइडेंटिटीज है ये बहुत ज्यादा बार यूज की गई है इस एक्सरसाइज में। उसके बाद साइन टू थीटा, तो ये होगा टू साइन थीटा कोस थीटा, या फिर टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। उसके बाद कोस टू थीटा, तो कोस टू थीटा क्या होगा टू कोस स्क्वेयर थीटा माइनस वन, टू कोस स्क्वेयर थीटा माइनस वन, या फिर वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा, या फिर वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। उसके बाद टेन टू थीटा, तो टेन टू थीटा क्या होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा टू टेन थीटा अपॉन, यहां पे प्लस था यहां पे माइनस, वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा। एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल होता है वन के, इस तरह से वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वेयर थीटा के। और लास्ट आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट वन प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा के। ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। उसके बाद बात कर लेते हैं एक दो रिमेनिंग आइडेंटिटी की, तब तक आप इनको नोट कर सकते हैं। उसके बाद एक दो आइडेंटिटी बच गई, जैसे टेंजेंट थ्री थीटा की, साइन थ्री थीटा की, कोस थ्री थीटा की। और उसके बाद मूव करते हैं एग्जांपल्स पे, जो क्योंकि एग्जांपल्स भी पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो हम सबसे पहले कवर करेंगे एग्जांपल्स को। उसके बाद बात करते हैं साइन थ्री थीटा की। तो साइन थ्री थीटा इसको इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, तो ये होगा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन की क्यूब थीटा। इस तरह से कोस थ्री थीटा हो जाएगा फोर कोस की क्यूब थीटा माइनस थ्री कोस थीटा। तो एग्जांपल नंबर थर्ड हमें दिया हुआ है, शो दैट साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टू साइन इनवर्स एक्स। तो आपको ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले आप एक्स को अगर साइन थीटा मान ले, लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, अगर एक्स साइन थीटा मान लिया तो यहां पे क्या हो जाएगा टू साइन थीटा,
और 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा और स्क्वेयर से यानी कि रूट यानी कि कोस स्क्वेयर थीटा और बार साइन इनवर्स। उसके बाद कोस स्क्वेयर से रूट कैंसिल तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा और बार साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो हमारे पास क्या बच गया 2 थीटा और थीटा की वैल्यू क्या होगी यहां से तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो 2 है तो 2 साइन इनवर्स x हमारा आंसर, हेंस प्रूव। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसको हमें प्रूव करना है 2 कोस इनवर्स के, 2 कोस इनवर्स x के। अगर आप यहां x की जगह पे कोस थीटा पुट कर देंगे तो कोस इनवर्स आ जाएगा, तो ये तो सिंपल है। उसके बाद बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4th की, तो एग्जांपल नंबर 4th हमें दिया हुआ है शो दैट टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/11 इक्वल है टेंजेंट इनवर्स 3/4 के, तो हमें ये शो करना है। तो इसमें यूज करेंगे आइडेंटिटी टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस y यानी कि 1/2 प्लस 2/11 डिवाइड बाय x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 1/2 2/11 11 और 2 का एलसीएम 22 2 11 यानी कि 11 प्लस 2 टू जा 4 डिवाइड बाय 22 माइनस 2 डिवाइड बाय 22 से 22 कैंसिल 11 और 4 15 और 22 माइनस 2 20 बाहर टेंजेंट इनवर्स चल रहा है तो टेंजेंट इनवर्स 15 डिवाइड बाय 20 और 5 3 जा 5 4 जा यानी कि टेंजेंट इनवर्स 3/4 और ये हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से आप एग्जांपल नंबर 4th कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5th की, तो एग्जांपल नंबर 5th में दिया हुआ है एक्सप्रेस cos x सॉरी टेंजेंट इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो हमें इसको क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना है कि आप इसको कितने स्मॉलेस्ट या फिर सिंपल लिख सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 5th, तो एग्जांपल 5th दिया हुआ है टेंजेंट इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। देखो अभी हम cos x को क्या लिख सकते हैं sin pi by 2 माइनस x, और sin x को cos pi by 2 माइनस x, ठीक है। उसके बाद अगर हम आइडेंटिटी बनाना चाहे क्या किस sin थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये होता है 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2, इसी तरह से 1 माइनस cos थीटा तो ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा by 2 तो उसी तरह से पहले इन कैल्शियम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x कंप्लीट कैल्शियम और यहां पे 2x कंप्लीट कैल्शियम। अब इन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स sin थीटा क्या लिखेंगे 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2 यानी कि 2 sin pi minus 2x डिवाइड बाय 2 और उसके डिवाइड बाय भी 2 यानी कि 4 और cos pi minus 2x डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल sin से sin कैंसिल cos डिवाइड बाय sin cot यानी कि टेंजेंट इनवर्स cot pi minus 2x डिवाइड बाय 4 cot को टेंजेंट में चेंज करेंगे तो pi by 2 minus थीटा होगा तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स tangent pi by 2 minus pi by 4 minus minus plus 2x by 4। उसके बाद tangent inverse से tangent cancel तो हमारे पास क्या आ गया pi by 2 minus pi by 4 यानी कि pi by 4 plus
2 से 4 कैंसिल तो x by 2, तो पाई by 4 प्लस x by 2, ये क्या आ गया हमारा इसका आंसर। उसके बाद एग्जांपल नंबर 6 तुम्हें दिया हुआ है, राइट कोट इनवर्स 1 डिवाइड बाय रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप x को पुट कर दीजिए secant थीटा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है secant स्क्वायर थीटा के, और ये 1 उधर जाएगा माइनस में, तो secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कि tan थीटा आ जाएगा हमारे यहां से। तो इसके बाद सॉल्व करते हैं, तो पुट करेंगे अगर हम x = secant थीटा तो ये जाएगा cot इनवर्स 1 डिवाइड बाय secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, और secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो cot इनवर्स 1 डिवाइड बाय tan थीटा, ऊपर जाके cot थीटा, तो cot इनवर्स cot थीटा, cot से cot, cot इनवर्स से cot कैंसिल, तो थीटा आ जाएगा हमारा आंसर। थीटा क्या है, secant इनवर्स x, तो secant इनवर्स x हमारा आंसर। उसके बाद एग्जांपल नंबर 7 दिया हुआ है, प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स 2x इक्वल है टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस x की क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x के। तो इसमें आप x को tan थीटा पुट करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में tan 3 थीटा के में आइडेंटिटी दी हुई है। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जांपल नंबर 7, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस x की क्यूब अपॉन 1 माइनस x 3x स्क्वायर। देखो राइट हैंड साइड की बात करें, पुट या फिर लेट x equals to tan theta, आपने क्या है x को tan theta मान लिया, तो पुट करेंगे तो ये जाएगा tangent inverse 3 tan theta minus 10 की क्यूब theta divided by 1 minus 3 tan square theta, और ये होती है tan 3 theta की identity, तो ये जाएगा tangent inverse tan 3 theta, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 3 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो गया से टेंजेंट इनवर्स x, तो ये जाएगा 3 टेंजेंट इनवर्स x। और जब 3 टेंजेंट इनवर्स x को हम स्प्लिट कर सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स x में, और 2 टेंजेंट इनवर्स x की आइडेंटिटी स्टार्टिंग में बताई थी आपको क्या होगी, tangent inverse 2x upon 1 minus x square, और इसको as it is लिख सकते हैं tangent inverse x, hence proved। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 2.2।